वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पीरियोडिक सिग्नल और एपीरियोडिक सिग्नल के बीच का अंतर और ये सिग्नल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स की। पीरियोडिक सिग्नल्स यानी वो सिग्नल्स जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने वेव शेप को यानी कि अपनी वैल्यूज को बार बार दोहराते हैं। जैसे अगर हमारे पास है एक सिग्नल, ये अभी ये सिग्नल है इस टाइम लिमिट के साथ, ये सिग्नल अपनी किसी भी वैल्यू को दोहरा नहीं रहा है तो अभी ये पीरियोडिक नहीं है। लेकिन अगर यही सिग्नल आगे एक्सटेंड हो जाए और बार बार इन्हीं वैल्यूज को दोहराता जाए, कहां तक दोहराता जाए, इनफाइनाइट तक दोहराता जाए, तो उन परिस्थितियों में हम इस सिग्नल को कहेंगे पीरियोडिक सिग्नल। और जिस शेप को, जिन वैल्यूज को ये बार बार दोहराएगा वो होगी जीरो से लेकर के चार तक की वैल्यूज। तो जीरो से चार तक की वैल्यूज को ये लगातार आगे रिपीट करता जाएगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, उस केस में इसका वेव शेप डिफाइन होगा जीरो से लेकर आठ तक जो इसकी वैल्यूज हैं उनके द्वारा। अब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जो अपनी वैल्यूज को बार बार दोहराता है उनमें दो चीजें बताना हमारे लिए जरूरी होता है। पहली चीज है फंडामेंटल टाइम। फंडामेंटल टाइम यानी वो समय जिसके बाद ये अपनी वैल्यूज को दोहराएगा। जैसे इस सिग्नल में आठ यूनिट टाइम के बाद, वो यूनिट टाइम सेकेंड भी हो सकता है, तो हम उस केस में कहेंगे कि आठ सेकेंड के बाद ये अपनी वैल्यूज को दोहरा रहा है। तो इसका फंडामेंटल टाइम इस केस में माना जाएगा आठ सेकेंड का। फंडामेंटल टाइम का ही दूसरा नाम होता है टाइम ऑफ रिपीटिशन, यानी कितने देर के बाद ये अपनी वैल्यूज को दोहराएगा। तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को डिफाइन करते समय, बताते समय हमें उसका फंडामेंटल टाइम बताना बहुत ही जरूरी होता है। फंडामेंटल टाइम ही आपके पीरियोडिक सिग्नल के बिहेवियर को बताता है। फंडामेंटल टाइम के अलावा जो दूसरा पैरामीटर है उसे कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बताती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से और जिसकी गणना की जाती है बाय वन अपॉन टी, यानी फंडामेंटल समय का जो भी इनवर्स होगा उस वैल्यू के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। जैसे इस सिग्नल के लिए अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो वो वैल्यू होगी 1/8 की। तो पीरियोडिक सिग्नल के केस में फंडामेंटल टाइम और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताना हमारे लिए जरूरी होता है। वहीं पर वो सिग्नल्स जो अपनी वैल्यूज को नहीं दोहराते उन्हें कहा जाता है एपीरियोडिक सिग्नल। जैसे अगर हम इस सिग्नल की बात करें, ये सिग्नल आ रहा है जीरो से पांच तक के लिए समय की वैल्यू है सेकेंड में, तो ये सिग्नल अपनी वैल्यूज को कहीं भी नहीं दोहरा रहा है, सिर्फ इसकी वैल्यू जीरो से पांच तक ही हमें मिल रही है, तो इस सिग्नल को कहा जाएगा एपीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल जो दोहराए, एपीरियोडिक सिग्नल जिनमें वैल्यूज आपकी रिपीट ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल्स।